बाबू का प्रभु का दर्शन करो। नितिन का क्या है, रवि ठाकुर है, राजू है, माया और चश्मा दादी यहाँ का है, जो कि यहाँ का युवक इस्टोला का है, जो कि उसके बालू ये का काम था क्या भी है, सीधा आम जिंदगी जी रहा था, नहीं गाय को काम कोई नहीं करने दे रहा था। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन फोर लाइव और मैं हूं कृष खन्ना। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया शहर के धोबिया टोला में, जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार आधा दर्जन करीब अपराधियों ने गुड्डू मियां नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना करीब शाम 5 बजे हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाइक सवार 6 अपराधी धोबिया टोला पहुँचे और ताबड़तोड़ उन पर गोलीबारी कर दी। हालांकि इस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई और सभी बाइक सवार अपराधी मौके वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्णिया शहर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, यही वजह है कि हत्याओं का दौर जारी है। आज दोपहर कुख्यात अपराधी कर्मी गुड्डू भैया की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई है। शहर के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया टोला अपराधियों ने गुड्डू मियां की हत्या गोली मारकर कर दी है। गुड्डू मियां भी कई आपराधिक मामलों में आरोपी था और कुख्यात बिट्टू सिंह गिरोह का सदस्य भी था। कुख्यात गुड्डू मियां को अपराधियों ने मधुबनी धोबिया टोला स्वास्थ्य केंद्र से कुछ दूरी पर दिन के उजाले में ही ताबड़तोड़ गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पूरी घटना मौके वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो बाइक सवार आधा दर्जन अपराधी धोबी टोला पहुंचे और सड़क किनारे खड़े गुड्डू मियां पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद सभी बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। गोली इतने करीब से मारी गई है कि मृतक के पेट की पूरी चर्बी बाहर आ गई है। जैसे ही लोगों को घटना की सूचना मिली, बड़ी वारदात में लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। गुस्साए भीड़ ने सब को मधुबनी बाजार के चौक पर लाकर सड़क पर धरने में बैठ गए। इस दौरान उग्र लोगों ने कई गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। तोड़फोड़ से मधुबनी बाजार में भगदड़ मच गया और बाजार बंद कर दुकानदार भाग गए। मृतक के परिजनों की मांग है कि अविलंब प्रशासन हत्यारे को गिरफ्तार करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। हरीश चौधरी अपने से आकर के गोली चलाया, रवि ठाकुर, सोनू यादव, छोटू यादव, सब तीनों सब था कैमरा में, पूरा राजू राय भी था, राजू राय भी था। प्रशासन नहीं पहुंचा अभी, प्रशासन चार घंटा से प्रशासन मूर्ख बना हुआ है, मूर्ख बना हुआ है। तब आज हम एक तो 2 घंटा अभी कहाँ पे दो घंटा यूं ही पड़ा हुआ रहा मेरा भाई। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे प्रशासन? उसके बाद भी प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन क्या कर रहा है? चेक करने के लिए नहीं दिया। अभी मधुबनी चौक पे आप लोग जाम किए हुए हैं,
हमसे डिमांड है, तो प्रशासन को सूचना तो दिए होंगे। हमने डिमांड 12 घंटा के अंदर में जितने भी अध्यक्ष है, अगर जब नहीं किया गया, मेरा भाई का पोस्टमास्टर नहीं दूंगा करने के लिए, शहर में आग लगा दूंगा। प्रशासन को सूचना दिए है ना, हम लोग दिए हुए, अगर नहीं देंगे तो इसका जिम्मेवारी प्रशासन स्वयं होगा। किसी की हत्या का सूचना देना पड़ता है क्या? अगर जब मीडिया बंद आप सवाल कर रहे हैं कि सूचना दिए किसी की हत्या है, हम ये पूछ रहे हैं। दीपंकर झा है, रवि ठाकुर है, एगो और कोची ने कौन सा नाम बता रहा वो है, तुमने माया है, और चार पांच आदमी यहाँ का है जो कि यहाँ का युवक इस टोला का है, जो कि उसके बालू ये का काम था कि अभी ये सीधा आम जिंदगी जी रहा था, नहीं गार को नहीं काम कोई नहीं करने दे रहा था, जिसके कारण बड़े बड़े माफिया को चूता था उसके प्रति, गुड्डू मियाँ के प्रति माफिया को चूता, चूने लगा था गुड्डू मियाँ से खटका खटकने लगा था, जिसके कारण इसको मिल करके हत्या किया गया मेरा भाई। ये छोटू यादव जो ये छोटू यादव जो राहुल रंजन रवि ठाकुर राजू राज, ये देख लीजिए कि नजारा किस तरह का है। सर यहाँ का हमारा कहना है कि 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक आप बगल में रहने के बावजूद भी आप लोग को जानकारी नहीं है, इसी कारण है राहुल लाला से क्लियर आया है, कोई स्पॉट है क्लियर है, हाँ आप लोग अभी क्या करेंगे? अभी प्रशासन अभी नहीं वोटो बैठेंगे, हम लोग न्याय की मांग है हमारी, मांग है जब तक पुराने शांति के साथ हम न्याय मांगेंगे, हमारा तब धरना चालू, अभी लंबे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, हम लोग की एक ही मांग है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। नित्य दिन के तरह संतोषी मंदिर जा रहे थे, उसी क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा गोली चला दिया गया और जैसे KMCS लाए इलाज के लिए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये लगभग 8:30-9 बजे के आसपास में, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, डीसी पासवान जी को एक फोन आया, पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड क्लियर करके वापस कर दिया था कि आप आज के बाहर नहीं निकले। फोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। कटिहार के महापौर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के समीप कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान स्थानीय पंचायती कर वापस अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान दो अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में कटिहार मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नित्य दिन के तरह संतोषी मंदिर जा रहे थे, उसी क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा गोली चला दिया गया और जैसे KMCS लाए इलाज के लिए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। बताते चले, हाल के दिनों में युवा नेता के रूप में शिवराज पासवान का तेजी से राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था। लगभग 3 महीने पहले वे मेयर बने थे। अब घटना के पीछे क्या वजह है, इस पर पुलिस जांच की बात कह रही है।
वहीं इस घटना से आक्रोशित लोग महापौर शिवराज हत्याकांड में लोगों के हुजूम नगर थाना में जमा होने और पुलिस मुर्दाबाद के नारा लगाने के बाद जिला अधिकारी देर रात खुद नगर थाना पहुंचकर हालात का कमान संभालते हुए परिजनों को समझा बुझाकर सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाते हुए जल्द इस मामले में सभी हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया। एक छोटे भाई के द्वारा FIR दर्ज कराया गया है जिसमें कुछ मामले गठित हुए हैं। पुलिस की दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। सुबह तक कई लोग उसमें से पकड़े भी जाएंगे। एसपी को भी दर्ज में शामिल है और हम आशा करते हैं कि दो से तीन दिन पूरे मामले का उत्पादन हम लोग कर देंगे। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि मेयर शिवराज पासवान ने खुद से ही अपने बॉडीगार्ड को छोड़कर मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर के लिए निकले थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने 3 गोली मार दिया। मृतक महापौर के भाई के बयान के आधार पर लगभग 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नित्य दिन के तरह संतोषी मंदिर जा रहे थे, उसी क्रम में अपराधकर्मियों द्वारा गोली चला दिया गया और जिसे KMCH लाए इलाज के लिए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। किनको गोली लगी, क्या स्थिति है? मेयर जो थे कटिहार के, जो मेयर थे उनको गोली लगी, 3 गोली लगी है और देहांत हो चुका है। ये लगभग 8:30-9 बजे के आसपास में, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शिवा पासवान जी को एक फ़ोन आया। उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज इतने बाहर नहीं निकलना। फ़ोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। उनके छोटे भाई के द्वारा FIR दर्ज कराया गया है जिसमें कुछ नामजद अभियुक्त भी हैं। पुलिस की दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। सुबह तक कई लोग उसमें से पकड़े भी जाएंगे। SP खुद ही दबिश में शामिल हैं और हम आशा करते हैं कि 2 से 3 दिनों में पूरे मामले का उद्भेदन हम लोग कर देंगे। हम लोग तत्पर हैं और सभी लोग दुखी हैं। पासवान जी के साथ हम लोग का भी बहुत पुराना संबंध है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यही हम लोग चाहते हैं। कितने नामजद? ये अभी अनुसंधान का विषय है। कई लोगों को जो इनके छोटे भाई ने FIR किया उसमें कई लोगों का नाम दिया है और कई लोगों पर दबिश की कार्रवाई अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो भी जारी है। सर कोई इनपुट मिल पाया कुछ भी कारण अभी तक प्रारंभिक जांच में कुछ आया सर? जैसा मैंने कहा FIR में कुछ तथ्य हैं जिस पर कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह तक आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। चूँकि मामला अभी हम लोग रात में ही ये कर रहे हैं इसीलिए अभी उसके बारे में बहुत बताना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग का अनुसंधान अभी जारी है। किंतु नामजद अभियुक्त हैं, कारण भी कुछ इन लोगों ने बताए हैं, उनको हमने नोट किया है और पूरी जांच की जा रही है। 1 से 2 दिनों में पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। हुआ था यही कि मेरा मम्मी फूल गाछ है आंगन में, मेरा मम्मी दूर रहती है तो उसका जो कनिया है, किसका? मेरा रामलाल चौहान का, रामलाल चौहान का कनिया है, वो झाड़ू मार रही थी अपना रास्ता पर। सदर थाना क्षेत्र के चौहान टोला खुसकी बाग में एक परिवार को जान से मारने की धमकी के साथ साथ मारपीट, गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार द्वारा पूर्णिया पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सदर थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 38 चौहान टोला निवासी रामविलास चौहान की पत्नी अंजलि देवी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कहा है
कि 29 जुलाई दिन गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे बगल के ही पड़ोसी रामलाल चौहान और संतोष चौहान ने अचानक घर पर आकर मेरा टट्टी फड़की तोड़ने लगा। मना करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, रामलाल चौहान ने मेरे शरीर का कपड़ा फाड़ दिया एवं संतोष चौहान मुझ पर दबिया चला दिया। लेकिन जैसे ही दबिया चलाया वैसे ही हम सर छुपा लिए, जिससे मैं बाल बाल बच गई। हालांकि इस दौरान हाथ में चोट लग गई। हो हल्ला होने पर घर के लोग सब आए और तब तक दोनों वहां से भाग गया। उन्होंने बताया मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है क्योंकि वे लोग काफी दबंग हैं। पैसा एवं दबंगई के बल पर हम लोगों को अपनी जमीन से भगाना चाहता है। इस तरह का घटना उनके द्वारा कई बार की जा चुकी है, जबकि इस बाबत सदर थाना में भी अपनी बात रखी गई, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जबकि हमारे पास सभी घटना का वीडियो भी है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। क्या हुआ था आज घटना? आज सुबह हुआ था यही कि मेरा मम्मी फूल गाछ है आंगन में, मेरा मम्मी तो रहती है, तो उसका जो कनिया है, किसका? मेरा रामलाल चौहान का, रामलाल चौहान का कनिया है, वो झाड़ू मार रही थी अपना रास्ता पर। मेरा जो प्लास्टिक से घेरा हुआ है उसको क्या कर रही है कि टूर तार के भीतर फेंक रही है। इसी बात पर मेरा मम्मी बोलने गई कि तुम ऐसे क्यों कर रही है, तो वो क्या किया, वो अपना ससुर को बुलाया, वहाँ फूल तोड़ रहा था, तुरंत उसका ससुर आया और मेरा माँ को इतना गंदा गंदा गाली देने लगा, उसको हाथ ऐसे टान के ऐसे करता है कि उसको पकड़ कर मारो, टानने गया यहाँ ब्लाउज फट गया, टट्टी बेरा सब तोड़ दिया मेरा, वो जो प्लास्टिक का घेरा और सब गाड़ी गरोज, इतना गंदा गंदा गाड़ी देता है। हम लोग हैं कमजोर, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं या कोई इशू नहीं हो रहा है। तो कहाँ आए थे आप लोग अभी? क्या कहाँ भी हम आए थे, एसपी सर को आवेदन दे दिया आवेदन दे दिए, वहाँ पर जमा कर दिए आवेदन। थाना भी गए थे? थाना में कुछ नहीं होता है। साथ से दौड़ रहे हैं इसके लिए। थाना में डीएम सर के यहाँ कितने पदाधिकारी आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन मेरा हाल नहीं करता है। नहीं होता है। नहीं, उसका जो जमीन जो जिसमें खरीदा है उसका केवाला वो नहीं दिखाता है। वो मेरा जमीन, मेरा जो मेरा बाप दादा परदादा का जो है जमीन है, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। अब वो जो जमीन खरीदा उसका कागज नहीं दिखा रहा, उसका कागज, और जबरन तो आपके जमीन पे जो है वो कब्जा करना चाहता है। मेरा जमीन मेरा कब्जा करना चाहता है, मार पीट गाड़ी मैंने वहाँ पे हम लोग को तबाह कर दिया। अभी इतना तक ही बोलता है कि जमीन छोड़ेंगे नहीं, खून कर देंगे जमीन के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रिंकू चौहान नाम हुआ, खुशी बाग चौहान टोला मेरा घर हुआ, 38 वार्ड नंबर। ऐसे ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। भागलपुर के मजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में देर रात 4 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन के घर में धावा बोलकर डकैती का प्रयास किया और डॉक्टर के नींद से जग जाने पर अपराधियों ने डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान डकैती करने के उद्देश्य घर घुसे अपराधियों ने चाकू मारकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को घायल भी कर दिया। डॉक्टर के द्वारा हल्ला किए जाने पर जब अस्पताल के लोग दौड़े तब अपराधी चाकू, पिस्टल और खंती के साथ साथ नशीला पाउडर छोड़कर फरार हो गए। वहीं डकैती की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ 4 डकैत मारपीट कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दिया, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंची मजाहिदपुर पुलिस ने हथियार और अपराधियों द्वारा छोड़े गए सामानों को जब्त करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मोहल्ले वालों की माने तो गली में शाम से ही अपराधियों का जमघट लगने लगता है, लेकिन पुलिस गश्ती नहीं होने के कारण बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। क्या हुआ कि दो अढ़ाई बजे रात में हम लोग सोए हुए थे, इधर भी सोए हुए थे, इधर हम सोए हुए थे,
और जैसे चार पांच ठो चार आदमी घुसा कि कैसे घुस गए, वो सब बंद है, घुस कैसे गया। बस उसके बाद वो तकिया लेके मेरा मुंह कवर करने लगा, तो हम देखे कि कौन है, कौन कर रहा है मारे गुस्सा उस एक दूठो को, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसका एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा, बांधने लगा। उसका हमको बताया कि कुछ नहीं ले, चुप रहो, कोई आवाज मत करो, हम संभाल लेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोला। मारपीट नहीं किया है? मारपीट नहीं किया, बस यहीं पर थोड़ा सा छुरा लिए थे ना, लगता है वो लग गया, मारपीट नहीं किया। सामान भी कुछ ले लिया? सामान मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल लिया, इनका मोबाइल लिया, एक तो पुराना मोबाइल भी चार्ज के लिए रखे रखे हुए। चाकू भी मारा है? चाकू तो हमको तो ऐसे ही पथरा से मारा है। चाचा को तो कुर्सी पकड़ के वहाँ पे उसे क्या कहते हैं जो रात में कुछ चार पांच लोग बदमाश घुसा है घर में, और घुसने के बाद जो है वो हमारे रूम में आया, हम लोग सोए हुए थे, लेकिन उसी दरमियान हमारा नींद टूट गया, नींद टूटने से उसको हम पकड़ करके उसको, लेकिन वो हमारे ऊपर सूत गया था, और सोने के बाद जो है वो अपने पट से हमको मारा भी, चाकू से भी प्रहार किया, और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए, भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। क्या क्या ले गया? ले क्या गया? मोबाइल। मारपीट भी किया है? मारपीट किया। कितने की संख्या में थे? कितने की संख्या में थे वो सब? चार हथियार था सब, करीबन 20-22 साल के उम्र के बीच का। हथियार भी था सबके? हाँ, हथियार तो था ही, पिस्तल भी था उसके पास में, और चाकू भी था, और खंती लेके आया था। चाकू से मारा भी है? चाकू से मारा है। यहाँ पे हथियार भी मिला उसका? तब हथियार मिला। क्या क्या? चाकू मिला, और दूसरे सुबह में हम लोग देखा कि चाकू है और पिस्टल भी मिला। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस आकर के तहकीकात करके गई है, फिर आई थी। ऐसी ही खबरों के लिए करें SAY24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।